नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। आपका हार्दिक अभिनंदन अपने YouTube चैनल देसी फार्मर के अंदर। जी सर। किसान भाइयों, आज जो हम वापस आपको जानकारी देने वाले हैं वो देने वाले हैं कि मशरूम की खेती कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप इसका संपूर्ण आपको जानकारी देंगे कि इसका लेप कैसे बनाया जाता है, बीज को कैसे इसमें डाला जाता है, सेट किस प्रकार से होता है, क्या प्रोसेस रहता है स्टार्टिंग से लेके इसको कैसे सेल किया जाता है, ये संपूर्ण जानकारी जो सर अपने सामने खड़े हैं ये देंगे। तो सर थोड़ा सा इसके बारे में, मैं आपका ये शेड भी देख रहा हूँ, काफ़ी लंबा चौड़ा आपका शेड है, तो सबसे पहले मेन स्टेप क्या होता है मशरूम की खेती में, पहला स्टेप अपन को क्या करना पड़ता है उसके बारे में जानकारी दीजिए। पहला स्टेप करना पड़ता है ये जो गेहूं का जी सर गवार है, ये भूसा मेरे को सामने दिख, जी सर ये भूसा हम लोग ये जो पानी का ये बैरल होता है, जी सर उसमें हम लोग 100 लीटर पानी में ऐसी 4 बोरी डुबाते हैं। 100 लीटर पानी में 4 बोरी, उसमें कंपोस्ट तैयार होता है, जी सर ठीक है जी। फिर उसमें से निकाल के हम लोग सुखा के, उसमें मॉइस्चर पानी नहीं होना चाहिए जब हाथ में लगाएगा, जी सर। तो इस तरह मेरा कंपोस्ट तैयार है अभी। ये कितने घंटे तक भिगोने के बाद ये सब तैयार होगा? ये 18 घंटे भिगो के रखना पड़ता है, 18 घंटे भिगो के रखना पड़ता है, 18 घंटे जी सर। उसके बाद ये ऐसा कंपोस्ट तैयार होगा, जी ये कंपोस्ट तैयार हो गया ठीक है जी। फिर उसके बाद इसको भरने लायक हो गया, देखो इसमें पानी नहीं सटता है, जी सर जी इतना हो गया। उसके बाद ये हमारा बैग है, ये इसको बैग बोलते हो, और ये हमारा स्पॉन है, जी सर जी। ये कहाँ से मिलेगा स्पॉन? ये स्पॉन लैब से मिलेगा, लैब से मिलेगा। हाँ सर, आगे प्रोसेस क्या रहेगा? फिर ऐसे हम लोग इसको बैग भरेंगे, जी ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाइए सर, ठीक है जी। बैग भरेंगे दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं, अगर कोई मशरूम की खेती करना चाह रहा है तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि गेहूं का भूसा लेते हैं, इसको 100 लीटर के अंदर 17 घंटे से 18 घंटे भिगोना पड़ता है, उसके बाद ये गीला होके ऐसे तैयार होता है, और ये सामने पॉलीथीन है इसमें बैग तैयार किया जाता है, और मशरूम से जो आप सामने देख रहे हैं छोटी कटोरी के अंदर ये बीज आया जाता है, और इस बीज को इसके अंदर डाला जाता है स्टेप बाय स्टेप। कितनी लेयर में इसको डालोगे सर? इसको 3 लेयर में डालना पड़ता है, 3 लेयर के अंदर डालोगे सर। कितने केजी का ये बैग बनेगा? ये बैग बनेगा 4.5 केजी का, 4.5 केजी का ये बैग बनेगा। और ये कितना भाई आपको ये बीज डालने पड़ेंगे इसमें? 100 ग्राम, 100 ग्राम आपको, जी सर। एक एक लेयर कितने स्टेप की, कितने इंच की होनी चाहिए? दो दो तीन तीन इंच की होनी चाहिए, दो दो तीन तीन इंच की एक लेयर होगी, और उसके बाद वापस बीज डालोगे। सामने देख सकते हो दोस्तों, आपको मैं सामने दिखा रहा हूँ कैसे बंडल तैयार किया जाता है मशरूम के लिए। ये सर है सामने, ये दूसरी लेयर तैयार हो रही है, आप सामने देख सकते हैं बिल्कुल। ये फिर वापस अब तीसरी लेयर के लिए आ गए हैं सर। सर ये अपन गेहूं का भूसा ले सकते हैं या कौन सा भी भूसा इसमें चलेगा? गेहूं का भूसा चलता है, चावल का चलता है जी, और ये जो बोलते हैं उसको मक्के का भी चलता है जी, मक्के का जो उसका आता है ना उसका भी चलता है, सोयाबीन का चलता है जी सर, सब चलता है, किसी का भी आप ले सकते हो, बस तरीका आना चाहिए आपको। और ये तीसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर में बीज डाल रहे हो आप, और फिर वापस इसमें ये भूसा भरोगे। तो इसको सर 17 से 18 घंटा कंपलसरी भिगो के रखना सर। भिगोने से क्या होगा इसमें, क्या मॉइस्चर आते हैं इसमें? भिगोने से मॉइस्चर आती है, हाँ, और इसमें इतना भेज रहेगा जी। फिर उसके बाद इसको सुखा देना पड़ता है। अच्छा सर, उसमें हम लोग चूना डालेंगे, हाँ, चूना डालते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया है, हाँ हाँ, वो बैक्टीरिया मर जाएगा जी सर, और कोई फंगस नहीं रहेगा जी, ठीक है, एकदम कंपोस्ट तैयार हो जाएगा 18 घंटा रखेंगे जी। तो ये आपका बेड तैयार हो गया, इसको ऐसे करके, हाँ, फिर ऐसे करके इसको है ना सर, ये जो रबर का रिंग है जी सर, ठीक है, ये देखो ये रबर का रिंग जी सर, इसको हम इसको गांठ से बांध देंगे, हाँ जी सर। जी सर, इसको आपने बहुत टाइट बांध दिया, हवा पास नहीं होगी इसमें, हवा पास। अब इसको कहाँ क्या करोगे? इसको है ना सर, हाँ, हम इसको छेद करेंगे। छेद करोगे? हाँ, किस से? पेन से? हाँ जी, पेन से। हाँ, छेद क्यों करे? ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए, और उसमें इस तरह पिनियन निकलेगा जी सर, ठीक है, देखो इसमें यहाँ किया, हाँ,
चार क्षेत्रों, चार दिशा में चार क्षेत्र जी सर, और फिर दूसरी दिशा ली, दो तीन और ये चौथा स्क्वायर बना दिया आपने, फिर ये तीसरा, एक दो तीन और ये चौथा, और फिर चौथी दिशा, एक दो तीन चार जी सर, लास्ट में चारों दिशा में एक एक हो जाए, कोने में और करना है जी सर। ये अपना ये तैयार हो गया, ये बंडल तैयार हो गया, बंडल तैयार हो गया जी सर। इसको हम अभी लटकाएंगे अंदर हम जी, ठीक है, उसको एक महीने के बाद इसमें पिन हेड निकलना चालू हो जाएगा, चालू हो जाएगा। उसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करना पड़ेगा, कितना टेम्परेचर कितनी ह्यूमिडिटी कैसे अपन उसको, ह्यूमिडिटी 65 से लेके 90 तक रखना पड़ेगा, और टेम्परेचर 25 से लेके 32 तक रखना पड़ेगा, 30 से लेके 32 तक। वो कैसे मेंटेन करते हो आप, वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ जी सर। ये आगे चलिए, आगे का स्टेप आपके यार्ड के अंदर चलते हैं, जो आपने मशरूम का आपने बना रखा है। ये सर के आप यार्ड के अंदर आ गए हैं, मशरूम का जो है सर बताइए सर, एक लगाया हुआ है ये, आप अंदर से आए, अंदर से वो यहाँ नीचे लटका दिया आपने, हाँ जी, वापस बताइए कैसे लटकाया एक बार। ये जो देखो ये दोरी है, ये दोरी में तीन साइड से हम लोगों ने लटकाया जी सर, जिस तरह ऐसे देखो ऐसे तीन साइड है जी सर, ठीक है। तो ये आपका पूरा मशरूम का है पूरा, इसको क्या बोलते हैं, लेयर्स बोलते हैं क्या, लेयर्स बोलते हैं जी सर। आइए इधर, हाँ, ये जो बोरी है, हाँ, इसमें हमने डेट डाली हुई है 28/7 का जी सर। देखो इसको एक महीना हो गया, हाँ, एक महीने में इसका पिन हेड निकलना स्टार्ट हो जी सर, ये सामने दिख रहा है, हाँ जी, ये पिन हेड है ना, एक महीने के बाद निकलेगा ऐसा जी सर, पिन हेड, हाँ, ठीक है, हाँ, उसके बाद 72 घंटे में ये जो 27/7 का है 72 घंटे में बड़ा फूल हो जाएगा, जिस तरह देख सकते हैं आप आगे, ये सब में डेट डाली हुई है जी सर, इसमें भी आप देखिए जी सर, इसमें भी आप देख सकते हैं, काफी शानदार है सर, काफी अच्छा है। एक बात बताइए, जैसे आपने वो बेड अभी नया बनाया था, हाँ जी, आपने उसको लटकाया, हाँ जी, तो कितने दिन तक वो लटका के रहा, वो 30 दिन रखेंगे, उसके बाद इसमें पिन हेड निकलना स्टार्ट हो जाएगा, पिन हेड में आपको दिखाता हूँ, पिन हेड बताइए सर, ऐसा पिन हेड निकलता है इसमें, ये जो दिख रही है ये बच्चे मतलब छोटे छोटे निकल रहे हैं सर, हाँ जी, फिर इसमें 30 दिन के बाद ये ऐसा पिन हेड निकल गया, फिर इस तरह मशरूम निकल गया, ठीक है, ये अगला स्टेप हो गया, ये 72 घंटे में पिन हेड आने के बाद तुरंत कल्टीवेशन कर लेना चाहिए। तो मतलब ये आपको कितने महीने का प्रोसेस रहता है, कंप्लीट 2 महीने का कंप्लीट प्रोसेस रहता है, 30 दिन तक तो आपको सूखा रखना पड़ेगा, उसमें पिन हेड्स निकलेंगे 30 दिन बाद, हाँ जी, उसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मैनेज करना है, दूसरा कुछ नहीं जी सर, ठीक है, उसके बाद ये स्टेप आएगा, हाँ, इसको उतार लेने का, हाँ, फिर इसको 10 दिन में ये जो पूरा हो गया, हाँ, ठीक है, उतर गया अपना, फिर ये बेग फाड़ देना चाहिए पूरा, बेग फाड़ देगा तो दूसरी बार आएगा, हाँ, ये आप देख सकते हैं इधर ये सब, ये दूसरी बार आएगा, ये बेग फाड़ दिया आपने, हाँ जी फाड़, हाँ, दिया, हाँ, ये भी फाड़ दिया, देखो ये दूसरी बार आ गया जी सर, ये बेग फाड़ दिया, ये दूसरी बार आ गया जी सर। तो ये डेट क्यों डालते हो सर आप, डेट तो हम लोगों को मालूम पड़े कि हम लोगों ने किस दिन बोया है और कितना दिन हुआ, ठीक है, इसी तरह रखना पड़ता है। ये देखो अभी आप ले सकते हो इधर से जी, ये देखो जितना छेद किया है वो सब जगह से निकलेगा, बिल्कुल सर, ये पूरा निकला हुआ है, हाँ जी, हाँ जी। तो एक बात बताइए, एक बेड से आपने अभी तैयार किया था, हाँ जी, उसमें से कितनी बार अपन मशरूम ले सकते हैं, उसमें 3 बार ले सकते हैं, जो 31-32 दिन में ये जो पिन हेड निकलता है, हाँ, उसके बाद एक बार कल्टीवेशन कर लिया जी सर, ठीक है, हाँ, फिर 8 दिन पे दूसरी बार आएगा, हाँ, वो बेग फाड़ दिया तो दूसरी बार आएगा, तो हमने ले लिया 3 दिन में, फिर जी, फिर तीसरी बार आएगा, हाँ, 8 दिन के बाद जी, तो फिर हमने ये पूरा कल्टीवेशन 3 बार कर लिया जी सर, तो 2 महीने के करीब कुछ इतना टाइम हो जाता जी सर, फिर ये बेग निकल के हम लोग कम्पोज पूरा खेत में जो खाद बनाते हैं ना उसमें यूज कर सकते हैं जी सर, ठीक है। और दूसरा कि ये जो मशरूम निकलता है उसको धूप में सुखा के उसका सब पाउडर वगैरह बाय प्रोडक्ट भी बना सकते हैं जी सर, तो फार्मर के लिए अच्छा खासा मुनाफा निकल सकता है मशरूम के फार्मिंग में जी सर। तो ये बताइए कि सर एक बंडल से कितना आपको, 3 बार आप कल्टीवेट करते हो, 3 महीने का ये प्रोसेस आपने बताया, तो एक जो बैग है एक बैग से करीबन 1.5 से 2 kg फ्रेश मशरूम निकलेगा एक बार में, 1.5 से 2 किलो, तो मतलब तीनों बार में मिला के, तीनों बार एक बैग से 1.5 से 2 kg तक ड्राई फ्रेश मशरूम निकलेगा जी सर, ठीक है, फ्रेश मशरूम हम लोग सुखाएंगे, हाँ, तो उसमें से ड्राई होके 150 ग्राम
हो जाएगा, हो जाएगा सर। 150 ग्राम एक बैग से मिनिमम निकलता है, फिर अच्छा जो आपने जो मैनेज किया है तो 150-200 ग्राम तक निकल पाएगा जी, अच्छा खासा जी सर। बीच में भी ले सकते हैं जी सर। आगे चलिए आप, आगे चलिए सर, और मैं आ रहा हूँ आपके पीछे। काफी शानदार आपने सर ये किया हुआ है, आपने देसी जुगाड़ के तरीके से इसको बनाया हुआ है सर। बताइए सर, ये देखो ये सब, ये काला कैसे हो रहा है? 5000 बेग का है, ये पक गया है, आज निकल जाएगा। ये पकने के बाद ऐसा हो जाता है, पीला हो जाएगा ऐसा। इसको निकालने का क्या प्रोसेस रहता है? निकालने का ऐसे हाथ से ही निकलता है, देखो ये निकलता है, और जो इसका मुंह निकल गया देखो आगे भी है, आगे भी मैं आपको बता सकता। चलिए सर। हाँ जी, इसका जो पान है ऐसा ऐसा हो जाएगा तो ये पक गया है, ठीक है, उसको भी निकाल सकते हैं। ये निकल गया मशरूम? हाँ जी सर, जी सर। इस तरह हम लोग टाइम हो जाता है तो ये ऊपर का जो है वो पीला हो जाएगा, गोल्डन टाइप का। जी सर। तो हम लोग निकाल सकते हैं जी। और ये सब देखो ये कितना पिन हेड आया है जी सर, काफी शानदार सर। इसमें मेरी जानकारी लेने के लिए आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि कितनी बाई कितने का शेड होना चाहिए? मेरा 40x150 फीट का शेड है। 40x150, 5000 बेग का मेरा ये मशरूम का फार्म है। और इसके आपको सालाना कितना टर्नओवर हो जाता है? सालाना टर्नओवर की गिनती करें सर 5000 बेग से तो करीबन करीबन मेरे हिसाब से 15 लाख का हो जाता है। 15 लाख का हो जाता है? हाँ 15 लाख का। दूसरा मैं क्या पूछ, इसमें चार वो ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? चार बार कर सकते हैं, और इम्यूनिटी और ये वेदर को हम लोग को ही बनाना है जी सर, मैनेज करना है जी सर, तो उसके हिसाब से हम लोग 4 या 5 बार ले सकते हैं पूरा साल में। तो क्या है इसके कुदरत के आधार पे नहीं रहना चाहिए जी सर, ये तो जो हम लोग बनाते हैं वेदर उसके हिसाब से चलता है। जिस तारीख से हम लोग भर रहे हैं उस तारीख से फिर उसको कल्टीवेशन भी आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर 2 महीने में निकल जाएगा, फिर भरना स्टार्ट हो जाएगा जी सर, तो ये प्रोसेस चालू ही रहेगा जी सर। तो सर ये आपने जो शेड बनाया है, बलिया ऊपर आपने लकड़ी की डाल रखी है, किस हिसाब से आपने बनाया है इसके बारे में थोड़ी सी? जो हमारा ये फोगर है, फोगर जो चलता है जी, ठीक है, ये फोगर चलता है तो उसमें से पानी निकलता है जी सर, तो ये इम्यूनिटी मेंटेन होता है जी, टेम्परेचर और इम्यूनिटी दोनों, ठीक है, इसमें भेज रहता है। ठीक है, आप इधर आगे आइए जी सर, इधर आगे आइए, देखो ये बीच से जी सर, कितना शानदार है, कितना अद्भुत है सर, काफी अच्छा आप काम कर रहे हैं सर। नहीं वो तो सर हाँ, हम लोग इसको संभालना बहुत होता है। हाँ, क्या क्या इसमें सर देखभाल की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हाँ, और ये देखो ये सब पीला हो गया है जी सर, ये गोल्डन टाइप का हो गया है जी सर, तो इसको निकाल लेना चाहिए। ये निकालने का टाइम हो गया, निकालने का टाइम, आज कल्टीवेशन ही है, आज के दिन कल्टीवेशन ही है इसका। आगे चलिए थोड़ा सा, ये जो हमारा निकला हुआ है पूरा, हाँ, उसमें भी आ रहा है, 2 महीने के बाद जो निकाल देते हैं उसमें भी फूल आ रहा है। ये देखिए सर, उसमें भी आ रहा है अभी। हाँ, ये डिकम्पोज के लिए आप यहाँ तैयार है, इसको खेत में फेंकने के लिए। हाँ जी, फिर भी इसमें तो मशरूम निकल रहा है सर। उसमें सऊद बहुत, उसमें सर प्रोटीन होता है जी। हाँ जी, खेत में जाएगा तो बहुत अच्छा खाद के रूप में बहुत काम करेगा, अच्छा सा ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सर ये आपको तो डबल मुनाफा दे रहे हैं सर? नहीं ये तो है सर, उसमें डबल मुनाफा भी है, अपना खाद भी हो जाएगा और ये सब हो जाएगा, ये सब चीज है सर। एक बात बताइए सर, ये जो आप ये जानकारी ले रहे हो या दे रहे हो, तो आपने कितने साल तक ये एक्सपीरियंस करके फिर ये खोला ट्रेनिंग? 2 साल का एक्सपीरियंस है इसमें जी सर, 2-2.5 साल का, 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस। जितना छेद करोगे उसमें से फूल निकलेगा। तो अपन 4 छेद क्यों करते हैं, 6-2 से भर दे तो उतना क्यों नहीं? 20 छेद ही करना चाहिए, उसको जितना ऑक्सीजन मिलता है उतना ही चाहिए जी, फिर ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो उसमें निकलेगा, निकल नहीं पाएगा जी सर। काफी शानदार सर, आपका तो यहाँ मशरूम ही मशरूम दिख रहे हैं सर, काफी अच्छी पैदावार हुई है सर इसमें तो मेरे को दिख, ये सामने देखिए कितने बड़े मशरूम के यहाँ पे आप सामने देख सकते हो, काफी अद्भुत काफी शानदार है सर। सर मैं आपसे थोड़ा सा धरातल से जानकारी लेना चाहूंगा जी सर, कोई किसान भाई है, नया है बिल्कुल? हाँ जी जी सर। आपकी तरह मशरूम की खेती करना चाह रहा है जी जी, बंडल उसने बना दिया गेहूं का भूसा करके उसको 16 घंटे तक जी जी, ये शेड कैसे तैयार कर सकता है, वो शेड तैयार करने के लिए उसको क्या स्टेप लेना चाहिए, कौन सा उसको वातावरण सुटेबल होगा, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। उसमें ऐसा है, वेदर हम लोग को बनाना है जी सर, जी सर। तो उसमें क्या है, इस तरह देखो 2x2 का ये बांस में हमने जगह रखा है जी सर, ठीक है, और ये जो दोरी है, दोरी जो हमने लटकाई है जी सर, उसमें भी 2 फीट का ही अंतर रखा है जी सर, एक 2 फीट ऐसे और 2 फीट ऐसे जी सर, उसमें एक सेंटर में आएगा ऐसा दोरी वाला जी सर, ठीक है, उसमें अपना 6 बैग लटक जाता है जी सर, ठीक है।
और इसमें मैनेज करना, एक बार जो सेट का खर्चा ही है, फिर बाद में आप पैदावार लेते हो तो सिर्फ बीज का और ये खाद का ही खर्च है, दूसरा कोई खर्च नहीं है इसमें। और इसमें हम बोले तो ये जो ऑर्गेनिक तरीके से ही होता है, जी सर। उसमें कोई दवाइयाँ नहीं आती है, कोई पेस्टिसाइड, कोई फर्टिलाइजर, कुछ नहीं आता है, पूरा एकदम केमिकल फ्री है सर। केमिकल फ्री है पूरा। जी सर और इसमें प्रोटीन भरपूर प्रमाण में होते हैं सर, आप देख सकते हैं बिल्कुल सर, काफी ये दो शानदार बाई है। दो का है सब, हाँ ये सब जगह बीच में सेंटर में ही सब मापी रख के, और ये हमारा फोगर है, हाँ फोगर में से हम लोग मैनेज करते हैं टेम्परेचर वगैरह जी सब। सर। तो मतलब 2x2 का, 2x2 स्ट्रेट, 2x2 लेंथ के अंदर है, और हाँ दो बाई दोनों। दो हाँ विड्थ के अंदर। जी, हाँ जी, इसमें क्या क्या आपको परेशानी भी आती है, क्योंकि एक परेशानी कोई बताना नहीं चाहता, आप धरातल से सच्चाई से हाँ बताइए जी, कि क्या क्या है प्रिकॉश। इसमें क्या है, मेन तो मैनेज करना पड़ता है, जी सर, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जी दोनों, सर, कोई मैनेज नहीं कर पाएगा तो उत्पाद ओछा कम आएगा, उत्पाद कम आएगा, फिर वो उसका दिल टूट जाएगा जी फार्मर सर। का कि मेरे को क्यों ऐसा आया। लेकिन उसको पूरी जानकारी लेनी चाहिए, जहाँ से जानकारी मिलती है वहाँ से पूरा उसको जो पॉइंट है, उसका माइनस पॉइंट है, जी वो पूछ लेना चाहिए कि भाई इसमें क्या क्या, इसमें एक दूसरा ये भी है, कंटामेशन आ जाता है, बिगड़ जाता है, क्यों बिगड़ जाता है, क्या कारण हो सकते हैं। वो कारण हो सकते हैं कि इसमें देखो बाहरी का आदमी कोई आए, जी हम लोग जो मैनेज करते हैं 3 आदमी, उसको ही आना चाहिए अंदर, जो बाहरी का आदमी कोई आया तो वहाँ से कोई वायरस लेके आया, उसमें इसमें जो ये इसमें कंटामेशन आ जाएगा जी वायरस के हिसाब से, तो जी अपना बैग बिगड़ने की कोशिश रहेगी, तो बाहरी का आदमी से मुंह पे मास्क बांधना, एक ग्लोव पहनना, ये सब होके फिर अंदर एंट्री देने का काम है, वो देने का, उससे कंटामिनेशन से बच जा सकते। कंटामेशन से बच और कुछ जाएगा। इसमें कीड़े वीड़े का कुछ, नहीं वो वो कोई नहीं रहेगा सर, कोई नहीं रहेगा। कोई कुछ एकदम ऑर्गेनिक तरीके से होगा। अब किसान भाइयों के सवाल रहेंगे कि बेड का एनवायरनमेंट का कितना इश्यू रहता है, गर्मी वाले एरिया में हो सकता है, सर्दी वाले में हो सकता सब है, एरिया में हो सकता है, लेकिन हम लोग को मैनेज करना पड़ेगा, क्या क्या मैनेजमेंट की तो अपन को जरूर। मैनेजमेंट में इसमें अपना जो ये फोगर है, हाँ ये जो देखो ये फोगर है जी सर, ना, जी ये सर, फोगर स्टार्ट करना पड़ेगा पानी का, हाँ और ये पानी का ही इसमें भेजी चाहिए, हाँ और उसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों मेंटेन होगा, पानी का कितना इसमें जरूरत होता है। जरूरत हर दिन, जो देखो ये 5,000 बैग का मेरा फार्म है जी अभी, सर, ठीक है, पाँच जी से 7,000 बैग का, जी तो उसमें मैंने अभी अभी तो ये जो बारिश का मौसम है जी तो उसमें तो पानी की जरूरत नहीं, जी ह्यूमिडिटी ऐसे ही मिलती है, हम लोगों ने जो एक बार कंपोस्ट भिगा किया तो उसमें इतना भेजी रहता ही है, जी सर, ठीक है, तो फिर बाद में हम लोग को चाहिए जब धूप के मौसम में ऐसा करना है तो एक दो बार दिन के 12 बजे से 3 बजे तक मैनेज करना पड़ेगा, जी तो उसमें हम लोग ये फोगर से चलाते हैं तो उसमें अच्छी तरीके से मैनेज हो जाता है। कहीं मैंने और भी देखे हैं बड़े बड़े, वो एसी से भी टेम्परेचर हाँ कंट्रोल करते हाँ एसी से हैं। भी करते हैं, लेकिन उसमें क्या है सर, एसी में से जो करते हैं ना उसमें खर्च भी बढ़ जाता है फार्मर का, जी ये तो नेचुरल तरीके से होता है, और हमारा ये देखो इधर जी आओ, सर, आप इधर आओ, जी सर, ये हमारा जो इस तरह का है, जी आप बताता हूँ, ये हमारा देखो जो सामने हमने होल किया है, जी ये देखो जो वो वहां साम से CO2 निकल पाएगा, जी ठीक है, और इधर से 2x2 का हमने ये भी छेद किया ये है, खोल रखा आपने। हाँ जी, जी सर, तो वहां से एयर आएगी, हाँ फ्रेश एयर आएगी, और यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा, वो सामने से फ्रेश एयर आएगी, वहां से जो सामने दिख रही रोशनी की तरफ हाँ, से क्लियर नहीं, 2 फीट बाई 2 फीट का होल है उधर, और उधर से निकल आएगी और इधर से निकल जाएगी। हाँ जी, इधर से निकल जाएगी, जी तो ये हर शेड में या पूरे एक एक ही जगह नहीं कर। हर शेड में 15 15 फीट पे ऐसा रखा है, जी तो क्या है कि वो उसको फ्रेश एयर भी चाहिए जी सर, तो CO2 बाहर निकलना पड़ता है। जी और इसमें सर आपको ये बताइए कि कितने टाइप के अपने मशरूम्स होते हैं, दुनिया में कितने टाइप के पाए वो जाते हैं, दुनिया आप में, वाले कौन से हैं, और आप वाले का क्या लाभ है। 2000 नहीं 200 200 प्रजाति आती है, जी सर, उसमें ये ओइस्टर मशरूम है, फ्लोरा, ओइस्टर में भी 7 प्रजाति है, जी सर, फ्लोरा है, येलो है, जी किंग है, जी सजोर काजू है, जी और ब्राउन है, जी ठीक है, ऑरेंज है, जी ये सब, ये हमारा फ्लोरा है, जी ये फ्लोरा है, जी ठीक है, ये औषधि के रूप में खा सकते हैं, प्रोटीन वगैरह सब्जी में ये सब में, और उसमें एक गेनोरमा करके आती है, सिल्की आती है, मिल्की आती है, कोडीसेफ आती है, ठीक है, बहुत सारे प्रकार की मशरूम आती है, ठीक है, उसमें एक किंग भी आती है दूसरी, जी और बहुत प्रकार की मशरूम आती है, लेकिन इसमें ये औषधि के
माध्यम से हम लोग ने ये किया है और हम लोग इसके बाई प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। ठीक है, बाई प्रोडक्ट में प्रोटीन पाउडर और ये सूप पाउडर, इसका भी वो जो फार्मर है वो जो किया है तो उसके हिसाब से आगे बढ़ सकता है। और इसका मार्केट भी अच्छा खासा है इंडिया के बाहर, और इंडिया में भी है। मैं बाई प्रोडक्ट भी बनाता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेरा श्रीनाथ जी ऑर्गेनिक मशरूम फार्म का बाई प्रोडक्ट भी है। तो कहने का मतलब है कि आप एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, यहाँ अपना ऑर्गेनिक ये मशरूम्स यहाँ पैदा करते हैं, उसको फिर मैन्युफैक्चर करके फिर उसको बाय प्रोसेस करके उसका पाउडर बनाते हो, और उसके अलग अलग 3 या 4 प्रोडक्ट आपने निकाल रखे हैं। जिस पेशेंट को किसी को गठिया बाय जोड़ों में रोग हो, हार्ट में अगर कोई परेशानी हो, ब्लड प्रेशर का हो, मोटापा हो या कोई दुबला पतला है, तो वो संपूर्ण ये खा सकता है और उसके उससे उसको लाभ मिल सकता है। लाभ मिल सकता है, अच्छा खासा लाभ मिलता है। मेरे जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसमें कई लोगों को अच्छा सा लाभ मिला है, और मैं प्रोडक्ट बेच भी रहा हूँ मार्केट में। ठीक है, और ये प्रोडक्ट अच्छा है, और इसमें मैं कोई आदमी मेरे से जो जानकारी लेना चाहता है जी, ठीक है, फार्मिंग के लिए, तो मैं भी पूरा जानकारी भी दूंगा उसको। ठीक है, उसको ट्रेनिंग भी दूंगा। ठीक है, उसको इधर आना पड़ेगा सर, तो क्या है कोई ऐसा नहीं बताएगा उसका जो माइनस पॉइंट क्या क्या है, लेकिन मैंने तो इसमें 2 साल का मेरा एक्सपीरियंस है जी, तो मैं सब पॉइंट उसको साथ में रख के, प्रैक्टिकल रख के मैं उसको सब सिखा सकता हूँ। इनिशियल स्टेज में आपको क्या क्या परेशानी आई थी, थोड़ा सा उसके बारे में, क्योंकि किसान भाई देख रहे हैं वो भी मशरूम की खेती करना चाह रहे हैं, अंधा होकर तो इस धंधे में आना नहीं चाहिए, कहीं ऐसे भी है जो करोड़ करोड़ रुपए गंवा चुके हैं। तो आप बताइए, आप क्या है सर, इसको मैनेज करना होता है। हाँ, और पूरी जानकारी होनी चाहिए कि मैंने जो बताया कि 18 घंटा इसको कंपोस्ट को भिगाने का है जी, उसके बाद सूखा के जितना हाथ में पानी न रहे उसे करके उसमें उसका बैग तैयार करना है, ये बैग तैयार करके इसको रखना है, फिर कितना दिन में इसमें मसीलियन बंधाएगा, 25 दिन में उसमें जो हमने बीट डाला वहाँ राउंड में मसीलियन बंधाएगा जी, और उसके बाद 30 दिन में इसका पिन हेड ऐसा स्टार्ट हो जाएगा जी, ये पिन हेड निकलना स्टार्ट हो जाएगा, सब जितना होल किया है सब जगह से निकलेगा जी जी। ठीक है, तो उसमें सब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का ही कमाल है, दो चीज ही अपन जो सेट कर लेंगे ना तो किसी का भी ये माइनस नहीं जाएगा। सर्दियों के अंदर आप कैसे मेंटेन करते हैं? सर्दियों के मौसम में तो बहुत ज्यादा उसमें खर्चा नहीं है, 500 से 700 लीटर पानी रहेगा। ठीक है, तो 500-700 लीटर पानी में ये 5000 बैग का मैनेज कर पाएगा जी कोई भी फार्मर। आपके हिसाब से मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा, नुकसान क्या है, फायदे क्या है? नुकसान तो उसमें सर कोई है ही नहीं, मैनेज करेगा अच्छा तो अच्छा प्रोडक्ट निकल पाएगा, और फायदे तो बहुत है सर, बताइए। फायदे उसको बहुत है, देखो ये जो मशरूम निकलता है जी, मशरूम निकलने के बाद इसका पाउडर सूखा के बनाएंगे। ठीक है, तो प्रोटीन के हिसाब से अपने फार्मर जो बाई प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें प्रोटीन पाउडर बनता है, प्योर पाउडर होता है, और सब्जी बनती है, जूस बनता है, अचार बनता है, बहुत सारी प्रोडक्ट है इसमें बन सकती है। ठीक है, और आम आदमी अभी मार्केट में जो सब मिल रहा है वो जो जहर के टाइप के जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर ये तो नेचुरल तरीके से जो ऑर्गेनिक है, और इसमें कोई एक प्रकार की कोई भी आडअसर नहीं होती है। जी सर, और इसमें फायदे बहुत है, अपना किसान है जो ये 35x40x100 फीट का जो अपना फार्म करेगा वो तो उसमें ही उसको मैनेज करना होता है। और दूसरा बात ये है, हम अपन खेत करते हैं तो खेत में कभी भी बारिश लड़ जाती है ज्यादा, और उसमें धूप लग जाती है, ये इसमें कोई ऐसा कोई नुकसान तो है ही नहीं। अपना फार्म में ताला लगा के हम सो जाते हैं शाम को। ठीक है, फिर कोई इसमें नहीं कुत्ते नहीं लगेंगे, नहीं कोई अपना रोज वगैरह कुछ नहीं होगा, बूंद वगैरह कोई नुकसान नहीं होगा, 1% भी नुकसान नहीं है। और जो बचता है ये भूसा उसका भी हम लोग ये जो कंपोज बनाते हैं, खाद बनाते हैं अपने खेत में डालने के लिए। ठीक है, तो ये भी फार्मर को फायदा ही फायदा है। फायदा ही फायदा है कहने का मतलब ये है, आपको इसमें इतना पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करने में, एक बार वापस साइज बता दीजिए इसकी, क्या साइज? इसमें 40x100 का मेरा ये शेड है, 150 से 100 फीट का है, फिर मैंने बढ़ाया है पीछे का। हाँ, लेकिन वो दूसरे साइड से वो देखेंगे, वो भी देखेंगे। हाँ जी। कितना खर्चा आपको आ गया था? हाँ, और कोई किसान भाई है उसको बीज चाहिए तो बीज कहाँ से मिल सकता है? अभी कितना कमा लेते हो आप? अभी मैं कमा लेता हूँ साल भर में 14 से 15 लाख रुपए कमा 14 से 15 लाख कमा लेते हो। इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था आपका? इन्वेस्टमेंट मेरा सर उसमें हुआ था
7 से 8 लाख रुपए। 7 से 8 लाख रुपए। आप ट्रेनिंग भी करके आए थे दूर दराज, कहीं कहीं जो एक्सपीरियंस आदमी उनके पास गए भी थे। और ये किसान ये नहीं है कि खेत में कर सकते हैं अपने, अगर गांव में या सिटी एरिया में रहते हैं तो सिटी एरिया में भी कर सकते हैं। उसको शेड होगा ऐसे छापरे छपरे वाला, तो उसमें भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है इसमें। और बंद कमरे में एसी के अंदर करे तो भी, एसी के अंदर करे तो भी अच्छा है, तो भी हो सकता है, पर उसमें थोड़ी गुणवत्ता कम हो जाएगी। जो अभी कम हो जाएगी, ये जो खेत में करेंगे तो क्या है कि ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा जी सर। ये फोगर वोगर है, ये बलिया है, कितना हाइट पे आपने ले रखा है इसको? ये मैं 9.5 फीट की हाइट पे रखा हूँ। 9.5 फीट की हाइट पे आपने रख रखा है सर। और इसके बारे में अगर मेरे को कुछ जानकारी नहीं है किसान भाई को, आप साझा करना चाहोगे कुछ? टाइमिंग का इसमें रहता है क्या, आप थोड़ा सा अलग आपको जानकारी हो तो बताइए सर। टाइमिंग आप और बताइए, इसमें क्या और प्रिकॉशन रख सकते हैं, कैसे और क्या काम कर सकते हैं, कुछ आपको अगर मन में कुछ विचार चल रहे हैं किसान भाई? जो इसमें किसान भाई जो करते हैं उसको करना चाहिए, ये बहुत मुनाफे वाला है। अगले टाइम में हम लोग को खाना अच्छा मिलना चाहिएगा जी, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आएगी आदमी को जी। लेकिन ये अच्छा मिलेगा नहीं तो क्या करेंगे जी सर? ऐसे केमिकल वाली खेती करेंगे तो आगे जाके क्या करेंगे भैया? तो ये प्योर ऑर्गेनिक है? प्योर ऑर्गेनिक है जी सर। ये पीले कैसे पड़ गए सर? ये वाले ये इसमें बेग निकाल दिया है, उसको 15-20 दिन हो गया है बेग निकालते हुए जी सर। और फिर इसमें तीसरी चौथी बार आ रहा है ये तीसरी चौथी बार आ रहा है। महीने का कितना टर्नओवर हो जाता है यहाँ से? महीने का टर्नओवर हो जाता है सर मेरा 3 से 4 लाख, 3 लाख। और कितना केजी आपको मिल जाता है प्रोडक्ट? प्रोडक्ट इसमें जो 5,000 बेग का है मेरा, तो फ्रेश मशरूम तो बहुत ज्यादा निकलता है, लेकिन महीने का मेरे को 50-60 केजी तो ड्राई हो जाता है। ड्राई हो जाता है? ड्राई कर जो 10 केजी है उसमें 90% पानी होता है जी, ठीक है। वो सुखाने के बाद 10 केजी सुखाएंगे तो 1 केजी बचेगा जी, 1 केजी हो जाएगा। तो मेरा मंथ का 40 से 50 किलो ड्राई हो जाता है, उसका मैं प्रोडक्ट बना के बेचता हूँ मार्केट। आप खुला ऐसे नहीं बेचते, रॉ मटेरियल नहीं बेचते आप? इसको बाय प्रोसेस करके पाउडर बना के आपको ऑर्गेनिक नाम से, आपका क्या नाम है? श्रीनाथ जी ऑर्गेनिक मशरूम फार्म। तो वहाँ से आप कोई लेना चाहेगा, मैं ये आपको वादा करता हूँ कि यह है 100% ऑर्गेनिक, इसमें कोई केमिकल का यूज नहीं किया गया है। लास्टली मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि दूर दराज एरिया में कोई किसान भाई है, उसको बिल्कुल भी पता नहीं है कि मशरूम की खेती क्या कैसे किया जाती है, तो आप उसको सिंपल 1 मिनट के अंदर स्टेप बाय स्टेप में समझा दीजिए, जिससे कि उनको भी आसानी हो समझने के अंदर। हम लोगों ने जो कंपोस्ट डुबाया, कंपोस्ट डुबा के उसकी बेग भरी जी, बेग भरने के बाद ये हम लोगों ने जो आगे किया लटकाया, ये सब मैनेज किया, तो उसमें सर 2 महीने की फसल है, 2 महीने में ऐसा हो जाता है। और इसमें तो बहुत अच्छा है, दूसरी फसल बोए तो 3-4 महीना लगता है। ये जाली वाली इसमें धूप से कितना बचने के लिए, कितना धूप के बचने के लिए? ये हमारा देखो ये जाली है और ये नीट है, नेट है। पीछे के बारे में हम लोगों ने जो सण का बोरी लगाया है उसमें टपक से पानी चलता है जी, तो ठंडा रहेगा जी। आइए सर बाहर आइए। सर मैं ये देख रहा हूँ आपका काफी लंबा आपने हाइट दे रखा है, कितने लेयर में आपने ये बेड लगा रखी है? 6 लेयर में लगाया है, एक 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 लाइन में 6 है ये। ये दोस्तों आप सामने देख सकते हो कितना शानदार इनका पूरा, ये मेरा टपक का जो ये फोगर का लाइन है सब, ये आप सामने देख सकते हो ये फोगर का चल रहा है जी। ये देखो और ऊपर ये बलियां है, बलियों के ऊपर उन्होंने एक और नेट लगा रखा है। तो इसके कितना गैप दे रखा आपने इसके ऊपर? इसके ऊपर 1.5 फीट का गैप, 1.5 फीट का गेट आपने दे रखा है। ये फोगर सामने दिख रहे हैं और ये और क्या ये सब फिल्टर है, पानी में जो कचरा आता है जो फोगर वगैरह जी सर, ठीक है। यहाँ से मैंने जोता है, यहाँ ये इसमें टपक होता है, उसमें टपक का लाइन बाहर से मैं दिखाता हूँ आपको। जो हम लोग ये पूरा बोरी है, इससे टपक टपक के पानी चलता रहता है, चलता है एकदम ठंडा माहौल कर देगा। और इधर ये ड्रम भर रखे हैं आपने पानी? ये ड्रम भर रखे हैं ये सारा एकदम। अरे अगर बाय द वे सर कोई आंधी में तूफान में कुछ नुकसान हो सकता नहीं, है? कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता है सर। अच्छा ये देसी जुगाड़ आपने बना रखा है, ऐसा सेट बनाने में कितना खर्चा आ जाएगा? शेड शेड की बात कर रहा हूँ। शेड में तो सर जो 5,000 बेग का करेगा तो शेड में 3-3.5 लाख रुपए का खर्चा होगा। इसमें कच्चा ही चाहिए या पक्का भी बना सकते हैं? टेन वेन डाल के पक्का भी बना सकते हैं, तो उसमें थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा जी सर, लेकिन ये खर्चा तो 1 टाइम रहेगा ना जी सर। और कुछ जानकारी जो बच गई हो आप देना चाहो? ये जो मेरे पास जितनी नॉलेज है उतना मैं इस तरह से चलाता हूँ और मेरा इतना प्रोडक्ट निकलता है, और मेरा ये जो मैं अपने से प्रोडक्ट बनाता हूँ बाय प्रोडक्ट वो भी मेरा सेल हो जाता है जी। और कोई फ्रेश मशरूम भी इधर से मैं ले जाता है अपने फार्म से आके तो भी मैं दे देता हूँ, और फ्रेश मशरूम 200 रुपए केजी बेचता हूँ। सबसे बड़ा ये रहेगा कि बीज कहाँ से मिलेगा इसका, कहाँ से ले? बीज सर जो ये मैं बात भूल गया, बीज लेबोरेटरी से मिलेगा, और कोई जिला में अपने डिस्ट्रिक्ट में कोई अपना जो
विज्ञान केंद्र होगा, वहाँ लैब होगी, वहाँ से उसको बीज प्राप्त हो जाएगा। बीज में ऐसा तो नहीं कहीं फर्जीवाड़ा हो या कैसा? वो ध्यान रखना पड़ता है। कैसे ध्यान रख पाएंगे उसका? हाँ जी, उसका ध्यान रखना पड़ता है। उसमें उसको बोल देना चाहिए सामने वाली पार्टी को कि भाई मेरे को अच्छा खासा ही बीज चाहिए जी, आप 25-50 रुपये पर के जी ज़्यादा ले लो, लेकिन मेरे को गारंटी वाला ही बीज चाहिए। बीज अगर क्वालिटी खराब हो गई तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा? तो पूरा पैसा डूब जाएगा सर। अरे यहाँ से आप बीज प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ। किसी को चाहिए हेल्प तो मैं भी हेल्प ही कर दूंगा उसको, पूरा गाइड कर सकता हूँ, पूरा गाइड कर सकता हूँ। तो मतलब ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, मतलब आगे क्या सपना है, कहाँ तक जाने का? तो करोड़ों में अभी ये दूसरा, अभी इतना दूसरा फार्म लगाने वाला हो, सेम टू सेम आगे वो डालने वाले हो जी। और किसी किसान भाइयों को कभी भी ट्रेनिंग लेना है, मार्गदर्शन लेना है, तो मेरे से फोन कॉल से बात कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी इधर ट्रेनिंग लेना है तो अपन 10 दिन के लिए उसको ट्रेनिंग भी देंगे, ठीक है, और इधर आके पूरा प्रैक्टिकली वो देख सकते हैं। जिस किसान भाई को अगर धरातल से जानकारी लेनी, क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो धरातल से जुड़े हुए किसान भाई हैं उनसे आपको मुलाकात कराता हूँ, इन्होंने कितने स्ट्रगल्स किए हैं उसके बाद इनको ये मुकाम हासिल किया है, तो इनको पता है कि किसान भाई कहाँ धोखा खाते हैं। तो इनसे एक बार अगर आपको जानकारी लेनी है तो फ़ोन पे ले लीजिए, यहाँ आके मिलना है तो यहाँ पे आके मिल लीजिए। और ये जो मशरूम की खेती है ये काफ़ी बड़ा स्कोप है, अगर इसको आप सही तरीके से करें तो पैसों की आपकी कभी कमी नहीं होगी। और छोटे से इसमें ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए, छोटे से एरिया के अंदर आप बढ़िया पैदावार लेके बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। 500 से 600 वर जगह में इतना 5000 बेड का फार्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, 500 वर। वीडियो काफी लंबा बन गया और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो भी मशरूम की खेती है उसकी संपूर्ण जानकारी हमने लेने की कोशिश की है। अगर कोई क्वेश्चन बच भी गया है किसान भाइयों के मन के अंदर तो वो कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट में, जरूर मैं सर से या मैं अपने आप से जानकारी देने की आपको कोशिश करूंगा। सर आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक धरातल से जुड़े किसान भाई है। मातरम, जय गौ माता और जय गौ माता सर। और जिस किसान भाई को अगर इनसे संपर्क करना है तो इनका नंबर मैं स्क्रीन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, क्या क्या ये प्रोडक्ट बनाते हैं, या फिर इनसे डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं 24 आवर्स। अगर रात को भी आप कॉल करोगे तो रात को भी ये पिक कर लेंगे आपका कॉल। बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत धरातल से जुड़े हुए किसान भाई है, ऐसे किसान भाई बहुत ही रेयर मिलते हैं आज के टाइम। तो सर आपको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सल्यूट करता हूँ कि आप आगे यूं ही बढ़ते रहे, यूं ही अपना मुकाम हासिल करते रहे और देश दुनिया को और लोगों को अच्छा खाना खिलाते रहे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर।